एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूं सिजेरियन डिलीवरी होती कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ की कोख से बच्चे का जन्म कुदरत के सबसे बड़े करिश्मों में से एक। देखिए फ्रेंड्स, भारत में हर 10 में से 8 महिलाओं की डिलीवरी सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन से होती है। तो ऐसा क्यों? देखिए, क्योंकि बच्चा कभी कभी ऐसा होता है एंड मौके पर एम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है, जो उसकी नली होती है, उसमें अपना उसका गर्दन फंस जाती है, या फिर कभी कभी बच्चा जो है वो पेट में पोटी कर लेता है, जिस वजह से डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। कभी तो कभी ऐसा होता है कि बच्चे की ब्रीच पोजीशन होती है, यानी कि बच्चे का जो सर है वो ऊपर की ओर होता है और पैर जो होते हैं वो नीचे की ओर होते हैं, तब भी आपको सी सेक्शन यानी कि आपको ये जो है ऑपरेशन कराना पड़ता है। डिलीवरी होती कैसे है? डिलीवरी से पहले क्या होता है? सी सेक्शन से पहले आप सिजेरियन या सी सेक्शन से पहले पूरे पेट को डिसइंफेक्ट किया जाता है। ऑपरेशन वाली पूरी जगह को डिसइंफेक्टेड कपड़े से ढका जाता है। शरीर पर एनेस्थीसिया का असर पूरी तरह हुआ है या नहीं, ये देखने के लिए डॉक्टर पेट को थोड़ा हिलाकर चेक करते हैं। महिला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, यानी सब कुछ सही चल रहा है। वो होश में है, बस एनेस्थीसिया के कारण दर्द महसूस नहीं कर रही है, इसलिए अब डॉक्टर चीरा लगा सकते हैं। और चीरा लगते ही चंद मिनटों के अंदर बच्चा पेट से बाहर आ जाता है। सी सेक्शन वाकई बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन है। और जितनी जल्दी बच्चे को बाहर निकाला जाता है, उतनी ही जल्दी टांके भी लगाए जाते हैं ताकि खून ज्यादा ना बहे। इसके बाद बच्चे को मुलायम तौलिए से साफ किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में अक्सर पिता भी माँ के साथ ही होते हैं। हाँ, बीच में एक पर्दा जरूर लगा होता है ताकि उन्हें खून का सामना ना करना पड़े। तो सी सेक्शन वैसे तो अगर WHO के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ कुछ ही टाइम पर सी सेक्शन को कहा गया है, वो इस टाइम पर जब आपको लग रहा है माँ या बच्चे में किसी को भी खतरा है, तब WHO के हिसाब से सी सेक्शन किया जाना चाहिए। लेकिन आजकल बहुत सारी चीजें हैं कि मतलब 5 मिनट में डिलीवरी हो जाती है, तो बहुत सारी लेडीज तो ऐसी भी होती हैं कि चलो ठीक है, उस टाइम पर कुछ दर्द फील नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो सीधा सी सेक्शन कराने लगती हैं। तो इसमें थोड़ा सा बाद में जाने के बाद में आपको माँ को भी और बच्चों को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स का सामना करना।